हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। इससे पहले भी दो वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इसी के बारे में। आज हम और तीन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और उन सभी के सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे एक्यूप्रेशर की हेल्प से। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिन लोगों की किडनी में स्टोन होता है और जब वो स्टोन यूरिनरी ट्रैक में आके फंस जाता है तो वो कारण बनता है सीवियर पेन का। इसके लिए सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में अवेलेबल है। ये पॉइंट हमें मिलेगा हमारी पाम की साइड, जो दोनों हमारी फिंगर्स हैं इनको हम इस तरह से स्प्लिट कर लें, सेंटर में चलें रिस्ट की तरफ, तो सीवी मरीडियन कंसेप्शन वेसल मरीडियन का 7th पॉइंट जो हमारी नीचे वाली लाइन है इससे ज़रा सा ऊपर मिलेगा। ये देखिए इसकी लोकेशन, और इसको हमें प्रेशर देना है प्रोब की हेल्प से 2 से 3 बार सॉफ्ट और डीप प्रेशर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक ब्योल मैग्नेट अप्लाई करनी है जो कि एक तरफ से सफ़ेद होती है और एक तरफ येलो कलर की होती है। हमें सफ़ेद वाला पार्ट स्किन पर टच कराना है। बाइलेटरल पॉइंट है, लेफ्ट हैंड में भी लगाइए इसको और राइट हैंड में भी। रात को लगाकर सो जाइए और सुबह हटा दीजिए। जब हम इस पॉइंट को रेगुलर यूज़ करेंगे तो जो हमारी प्रॉब्लम है पेन की उसमें हमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। यूरिन से रिलेटेड एक दूसरी प्रॉब्लम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ लोगों के यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है, एल्ब्यूमिन निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत वीकनेस रहती है। ज़्यादातर ये डायबिटिक पेशेंट्स को देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है। ये पॉइंट हमें मिलेगा हमारी पाम पर, ये भी कंसेप्शन वेसल का ही पॉइंट है। पॉइंट का नाम है CV4। ये जो दो लाइन्स हैं वही फिंगर्स को दो तरफ स्प्लिट कीजिए, उससे जब हम नीचे रिस्ट की तरफ चलेंगे तो ऊपर वाली लाइन से ज़रा सा ऊपर ये पॉइंट मिलेगा CV4। वही तरीका है ट्रीटमेंट लगाने का, पॉइंट को एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है 2 से 3 बार, और यहाँ पर हमें इस बार टोन करना है इसको, मतलब कि येलो वाला पार्ट जो है वो स्किन पे टच कराना है और वाइट वाला पार्ट हमें ऊपर से दिखाई देगा। जब हम इस ट्रीटमेंट को रेगुलर यूज़ करेंगे, रात को लगाकर सो जाएं, सुबह हटा दें, वही बाइलेटरल है, दोनों हाथों में लगेगा। जब हम इस ट्रीटमेंट को रेगुलर यूज़ करेंगे तो जो यूरिन के साथ एल्ब्यूमिन एक्सक्रीट हो रहा था धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा और हमारी प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगी। तीसरी प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे वो यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो प्रोलैप्स हो जाता है। प्रोलैप्स मतलब अपनी जगह से सरक जाता है। इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो ब्लैडर है वो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं उनकी हेल्प से अपनी जगह पर अच्छे से लोकेटेड होता है। जब ये मसल्स वीक पड़ जाती हैं या स्ट्रेच हो जाती हैं तो यूरिनरी ब्लैडर अपनी जगह से सरक कर नीचे आ जाता है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक्यूप्रेशर में एक बहुत अच्छा सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है। ये पॉइंट हमें मिलेगा हमारी पाम पर, मिडल फिंगर पर, टुवार्ड्स रिंग फिंगर। पॉइंट का नाम है K7, किडनी मरीडियन का 7th पॉइंट, राइट। इस पॉइंट पर वही हमें स्टिमुलेट करना है प्रोब की हेल्प से सॉफ्ट और डीप, और यहाँ पर भी हमें टोन करना है इस पॉइंट को, मतलब कि जो येलो वाली मैग्नेट है वो हमारी स्किन पर टच होगी, क्लियर। जब हम येलो पार्ट स्किन पर टच कराएंगे तो ऊपर से हमें वाइट पार्ट दिखाई देगा। जो ट्रीटमेंट है हमारा बाइलेटरल है, दोनों हाथों में लगेगा और वही रात को लगाकर हमें सोना है और सुबह इसको हटा देना है। जब हम इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो जिन लोगों का यूरिनरी ब्लैडर प्रोलैप्स हो गया है वो धीरे धीरे वापस अपनी पोजिशन पर आना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने जो 3 तरह की प्रॉब्लम्स डिस्कस करी यूरिन से रिलेटेड, अगर इनमें से कोई भी आपको परेशान कर रही है या आपको पता है किसी और को परेशान कर रही है तो प्लीज़ उन तक ज़रूर पहुंचाइए। और ये जो ब्योल मैग्नेट्स हमने यहाँ यूज़ की हैं, आपके पास हैं आप उन्हें यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो हमारा एक किट है जिसको कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं।
अगर आप एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं तो आप घर बैठे उसको सीख भी सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक कोर्स बनाया है, ऑनलाइन है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिल जाएगा। जब आप फ्री हैं एक एक वीडियो को देखिए और उसके बारे में नॉलेज को ग्रेस्प कीजिए। इसको सीखने के बाद अपनी 100 से भी ज़्यादा रोज़मर्रा में होने वाली प्रॉब्लम्स को आप खुद ट्रीट कर पाएंगे, अपनी, अपने नियर डियर्स की और अपने आसपास के लोगों की, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो वही हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। एंड जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, ऑल्दो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो जो हमारा सॉफ्टवेयर एक्यूप्रेशर साथी है, ज़्यादातर लोग अब उससे फैमिलियर हो गए हैं, तो आप उस पर जाकर भी इन सारे पॉइंट्स को ढूंढ सकते हैं। TCM के जितने भी 361 पॉइंट्स हैं उन सभी को प्लॉट करके और एक एक पॉइंट को लोकेट कर दिया है ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ आपको पॉइंट का नाम डालना है और सर्च करना है, वहाँ क्लिक करेंगे जैसे ही तो लोकेशन आपके सामने आ जाएगी। 700 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट उस एक्यूप्रेशर साथी में अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास वो पोर्टल होना चाहिए कि आप जस्ट बीमारी का नाम डालें, प्रॉब्लम का नाम डालें और उसको सर्च करें, तो आपके सामने उसका एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट ब्योल मैग्नेट की हेल्प से आ जाए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस एक्यूप्रेशर साथी को भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के साथ साथ रेकी भी बहुत हेल्पफुल है हमारी सभी प्रॉब्लम्स को लेकर, चाहे वो फिजिकल लेवल है, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल या स्पिरिचुअल लेवल। यहाँ भी यूरिन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ भी हम रेकी की हेल्प से ट्रीट कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। तो जो हमारी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए हमें अपने 2 चक्रास पर काम करना होगा, रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा। जब आप इन दोनों चक्रास को बैलेंस करेंगे तो जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सब में रिलीफ मिलेगा, या हम अगर हेल्दी हैं तभी भी इन चक्रास को बैलेंस करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमें आएंगी ही नहीं। इसके लिए जो लोग रेकी जानते हैं तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन हो गई, आप अपने चक्रास को हील कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम इनको कैसे हील करेंगे तो मैंने ये रेकी चार्ज्ड अरोमा कैंडल्स बनाई हैं, हर चक्रा की अलग अलग हैं। आप चाहें तो 7 चक्रा की भी ले सकते हैं सारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए, लेकिन जो आज हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं वहाँ रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा की कैंडल, अरोमा कैंडल, और जो कि रेकी चार्ज्ड हैं, क्योंकि मैंने रेकी भी की हुई है, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और काफ़ी साल से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने इनको चार्ज किया है रेकी की हेल्प से। जब आप इन्हें अपने घर में लिट करेंगे, जलाएंगे 2 घंटे के लिए, तो जो अरोमा के साथ रेकी हीलिंग आपके अंदर जाएगी वो आपके इन दोनों चक्रास को बैलेंस करेगी। आपको इसको रेगुलर यूज़ करना होगा। तो आप चाहें तो बाई रेकी भी अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं, नॉट जस्ट यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, उस चक्रा से रिलेटेड और भी जितनी भी चीज़ें हैं, जब वो चक्रा बैलेंस होगा तो वो सभी चीज़ें आपकी बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। इनको भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.divinecareofficial.com के नाम से है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।